हाय दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र राठौर है। दोस्तों, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई ये पंचर मशीन का उपयोग करूँगा तो मैं आप लोगों को एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है ना दोस्तों। ये नोवा कंपनी की है, इसका मैं बहुत पहले से उपयोग कर रहा हूँ, नोवा कंपनी का, है ना। तो ये पंचर मशीन बुलाई दोस्तों, तो क्या ये खुली आती है ना, तो उस पर ये बोल्ट दिए हुए दिए रहते हैं और ये बोल्ट उस पर कस जाते हैं। 15 नंबर के बोल्ट रहते हैं जो उस पर कस जाते हैं मशीन पर। दोस्तों, उसको फिटिंग कर रहा हूँ। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है वीडियो में, लेकिन कुछ भाई लोगों से बनती नहीं है फिटिंग करते कैसे क्या करते हैं। तो देखो दोस्तों, इसकी कुछ इस टाइप से फिटिंग आती है ये ना, ये क्या ट्रांसपोर्ट में आके दब जाती है ये। जयराम भैया, जय श्री राम। इसको खोजिए, ये वाला बोल्ट खोल के दिख रहा होगा, स्क्रू तो खोल के इसको ऊपर निकाल लेंगे पहले, तो उसके अंदर जो केबल वगैरह है वो निकल जाएगी। दोस्तों निकल गई, ये इसका प्लेक है, ये बिल्कुल पूरी सेट रहती है। ये देखो, ये ऑटो कट लगा हुआ है और ये अपनी वायर वगैरह सब बिल्कुल फिटिंग रहती है। दोस्तों, वीडियो में ऐसा कुछ भी खास तो नहीं है, लेकिन क्या आप भाई लोग पूछते हैं सर इसका उपयोग कैसे क्या करें, तो उन लोग भाई लोगों के लिए बनाया ये वीडियो। तो ये एक वायर, ये वाला, ये देखो आप समझने के लिए बता रहा हूँ, ये ब्लैक वाला वायर इस कॉइल पे गया है, मेन कॉइल पे, और इसका एक जो रेड वाला वायर है, इससे दिखेगा आपको, ये रेड वाला वायर जो है वो एक के ऑटो कट पे लगा हुआ है, ये है ना, और इसी का एक ऑटो कट का वायर नीचे लगा हुआ है ऑटो कट पे, ये देखो। तो ये वाला वायर जो है ना, इस पे गया है कॉइल पे, इस कॉइल पे गया है ये, जिससे कि ऑटो कट काम करता है। और दोस्तों, फर्स्ट टाइम उपयोग करें तो करंट का उपयोग करंट चेक जरूर करें दोस्तों ना, सबसे मेन चीज़ यही होती है। और ये दोस्तों, ये ज़्यादा महंगी नहीं है, 1500-1600 रुपये की मशीन है, यहाँ पर लोगों को महंगी मिलती ज़रूर है, लेकिन दोस्तों ये 1500-1600 रुपये से ऊपर की मशीन नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसकी फिटिंग करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है। वीडियो बनाने के लिए कोई भी नहीं दोस्तों, और दोस्तों आप लोग देख रहे हो, बोल सोच रहे होंगे सर वीडियो नहीं बना रहे, भाई टाइम नहीं मिलता है यार क्या, और गंदा पानी सब डफ है, तो चक्कर में वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ दोस्तों। और ये कवर रहता है जिसमें कुछ घुसे ना इस पर, है ना, बाकी इतना कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, पिछली वीडियो में ये मशीन मैंने बनाई थी, इनका सबका वीडियो मैंने खुद बनाया है ना। इसको जैसे अपन ने ये वाली मशीन को गैस वाली बना दी है ना, और ये अपनी इलेक्ट्रिक की है, और एक अपनी ये गैस वाली, ये देखो इसको भी लेके आए थे बॉस कंपनी की, ये बहुत पुरानी है ये वाली मशीन, मेरे पास बहुत दिन से है ना। तो बाकी अपनी गैस टंकी और ये की मशीन, इन सबका वीडियो मैं बना चुका हूँ, और जिस भाई ने वीडियो ना देखा हो तो उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप लोग जा करके देख सकते हो भाई लोग। ठीक है, इसको फिटिंग करता हूँ दोस्तों, फिर उसके बाद एक वीडियो बताता हूँ आप लोग फिटिंग करने के बाद। बाकी फिट करने का कुछ तरीका नहीं है, वैसे आप लोगों को जनरली बता दे रहा हूँ। ये मशीन ऐसी रख जाएगी और ये बोल्ट खुल जाएंगे, तो इस पे आकर के अंदर से ये बोल्ट कस जाएंगे, तो ये मशीन कुछ इस तरह से फिटिंग हो जाएगी, है ना दोस्तों। तो अभी 15 नंबर के चाबी से खुल जाएंगे, ये 15 नंबर की चाबी से ये बोल्ट खुल जाएंगे। ठीक दोस्तों, इसकी फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करने के बाद बताता हूँ आप लोगों को। तो देखो दोस्तों, ये दोनों बोल्ट खोल लिए अपन ने, और अभी इसको इसको हैंडल को निकाल देते हैं। देखो दोस्तों, ये इस टाइप से अंदर से इस पर जो छेद दिए रहते हैं ना, उस पर जाके ये कस जाती है मशीन, इसे ये भी देख रहा होगा आपको, एक बोल्ट उस पर कस जाएगी ना, और एक इस पर कस जाएगा, ये अंदर से देखो इस टाइप से आके ये कस जाएगा, ये दोनों छेद इसमें दिए रहते हैं और पहले से ही ऑलरेडी। तो दोस्तों, इसको कसता हूँ, कसने के बाद आपको बताता हूँ इसकी रेटिंग वगैरह। दोस्तों, ये अपनी तैयार हो गई है पंचर मशीन, है ना, इसको मैंने बोल्ट वगैरह कस लिए हैं। और दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें दोस्तों। और कुछ भी चीज़ पूछना हो
तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। इसकी ये क्वाली इधर तक आ रही थी तो मैंने इस पर गुड़िया डाल के बढ़ा दी है इसको। दोस्तों तो एक चीज़ और है, जैसे अपने को ऑटो कट को सेट करना रहता है ना, तो ये इसमें एक होल दिया रहता है, देखो एक स्क्रू लगा है ना, इसको साइकिल के स्पोक से या पतला पेच स्क्रू से इसको टाइट या कम कर सकते हैं इसके हीटिंग को, ठीक है। दोस्तों इतना ही सा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं था। दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।